हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आपको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। मैं आपको यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, आप सेंटर पे क्या क्या ले जा सकते हैं और साथ ही आपको अपने एडमिट कार्ड में जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भरना कैसे है, ठीक है। तो देखिए कैसे भरना है आपको फॉर्म। पहली बात तो यहां पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर कौन से? ये वाले सिग्नेचर, जैसे आपने ऐसे किए हैं यहां पर, सेम वैसे ही आपको यहां पर भी सिग्नेचर करने होंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, आपका स्लॉट वगैरह देख लेना। यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें सबसे पहले फोटो लगाना है। लेकिन एक बात याद रहे, फोटो कौन सा लगाना है आपको? फोटो ये वाला सेम फोटो लगाना है। कौन सा? जो आपने एप्लीकेशन भरते टाइम जो फोटो लगाया है वही सेम फोटो यहाँ पर चस्पा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर चिपका देना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पर पहुंचने से पहले आपको ये फोटो यहाँ पर चिपकाना है। दूसरी बात, कैंडिडेट के लेफ्ट हैंड यानी कि आपका दाहिना हाथ जो है, डेढ़ा हाथ जो है, उसका थंब इंप्रेशन लगाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको उसका मतलब अंगूठा लगाना है यहाँ पर स्याही से या किसी से भी। इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा जो है कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, लेकिन सिग्नेचर आपको घर से नहीं करने हैं, ध्यान रखना। ये सिग्नेचर आपको करने हैं जब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रेजेंट हो और एग्जामिनर आपके एग्जाम आपके सामने हो, तो उसके सामने आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। ये घर से सिग्नेचर करके मत ले जाना, ठीक है। ये आपको घर से ही फिक्स करना है, थंब और यहाँ पर फोटो भी घर से ही फिक्स करना है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है साथियों, नीचे के लिए जब आएंगे आप तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम भरना है और यहाँ पर आपको अपनी मम्मी का नाम भरना है। यहाँ पर यदि आपके फोटो चेंज है, जैसे आपने जो फोटो अपलोड किया था एप्लीकेशन में, अगर वो चेंज है तो यहाँ पर आपका अपना रीजन बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रीजन लिखा है कि मैंने आगे के बाल जो है वो रेड करा लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका चेंजिंग हो गया है फेस पे कुछ, तो वो आप यहाँ पर चेंजिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड से देखकर रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी टैब, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल दिया यहाँ पे लिख के और आधार कार्ड का नंबर इधर दे दिया, ठीक है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड इधर डाल दिया लिख करके यहाँ पर और यहाँ पर उसका नंबर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डेट डालनी है, किस डेट में आपका एग्जाम है और यहाँ पर शिफ्ट कौन सी में, जैसे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ शिफ्ट नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आईडी एप्लीकेशन नंबर कौन सा डालोगे आप? एप्लीकेशन नंबर ये रहा, ठीक है, जो आप डालोगे यहाँ पर, ये वाला एप्लीकेशन नंबर आप डालोगे, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें भर ली। अब यहाँ पर ये जो है वो अधिकारी भरेंगे, ठीक है। अगर आप सस्पिशियस पाए जाते हैं तो आपकी क्या क्या चीजें चेक होंगी, जैसे आधार कार्ड आपका चेक होगा, अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आप सस्पिशियस पाए जाएंगे, और कैंडिडेट आधार कार्ड अगर वेरीफाइड नहीं है तब भी, यदि आपकी कोई मिस्टेक पाई गई तो वो आधार कार्ड आपका चेक कर सकते हैं, इसलिए लेकर के चले जाना, बाकी आपकी इच्छा अनुसार है। ये जो ऑप्शन है ये वाले, ये भरेंगे वहां पर अधिकारी जी, आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में यहाँ पर एक संभावना और भी है कि आपका जो आईडी आपने दिया है उसकी फोटो कॉपी भी ली जा सकती है। देखिए, कॉपी ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ टाइप टेकन फ्रॉम कैंडिडेट, कैंडिडेट से जो आईडी प्रूफ का कॉपी लिया है, ठीक है, तो ये कॉपी भी मांग सकते हैं। इसलिए जो आईडी है आपकी, आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें जो लगाया है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो साथ में लेकर के जाना है। तो ये तीन चार ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको विशेषकर ध्यान में रखनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अब बॉटल ले जानी है सिर्फ आपको, एक और एक पेन ले जाना है कोई ब्लैक, ठीक है, एक बॉटल ले जानी है, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, चाहो तो एग्जाम में अपने साथ ले जा सकते हो, बाकी आपको कुछ भी साथ में ले जाना नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए।